मुहासे यानी पिंपल्स होना एक ऐसी समस्या है जो सामान्यतः 95% लोगों में पाई जाती है और इससे चेहरा पूरी तरह से बेरंग हो जाता है। पिंपल ना केवल दर्दनाक होते हैं बल्कि पिंपल्स के दाग पर अगर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया जाए तो ये उम्र भर चेहरे पर बने रहते हैं। हम में से बहुत से लोग इन दाग धब्बों से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपनाते हैं, पर उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स से भी हमें फायदे के बजाय नुकसान ही होता है क्योंकि उनमें तरह तरह के केमिकल्स मिले होते हैं जिनके कारण हमारी त्वचा का नेचुरल ग्लो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसलिए आज हम आपको पिंपल्स के दाग हटाने के घरेलू उपाय के बारे में बताएंगे। ये उपाय बहुत ही आसान और नेचुरल हैं और इनसे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। हल्दी, शहद और टमाटर। आधा छोटी चम्मच हल्दी, आधा छोटी चम्मच शहद और 2 चम्मच टमाटर के रस को मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं। 10 मिनट तक इसे चेहरे पर लगा रहने दें। 10 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। आप इसे हफ्ते में 3 से 4 बार लगा सकते हैं। आलू का रस। कच्चे आलू को कुचलकर उसका रस निकाल लें, फिर इस रस में रुई डुबाकर अपने चेहरे या सिर्फ पिंपल्स के दाग पर लगाएं। इसे 20 से 30 मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने दें और फिर चेहरे को पानी से धो लें। आप इसे हर रोज एक बार लगा सकते हैं। चिरौंजी का मास्क। सबसे पहले 20 से 25 चिरौंजी के दाने को 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, फिर इसका पेस्ट बना लें और उसमें 1 छोटा चम्मच दूध, आधा छोटी चम्मच हल्दी मिलाकर अपने चेहरे पर लगा लें। 10 से 15 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। आप इसे रोज दिन में एक बार लगा सकते हैं। अगर आपकी त्वचा ऑयली है तो आप चिरौंजी के पेस्ट में दूध और हल्दी की जगह आधा छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर और आधा छोटी चम्मच नींबू का रस मिलाकर लगाएं। ग्रीन टी। ग्रीन टी का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही त्वचा के लिए भी ये बहुत कारगर है। ग्रीन टी पीने के बाद जो ग्रीन टी बैग बच जाता है उसे अपने दाग पर लगाएं। आप ग्रीन टी के पत्तों को निकालकर उसका फेस पैक बना सकते हैं। आप इसे हर रोज एक बार लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे घरेलू उपाय और इससे आपको 100% फायदा जरूर मिलेगा। तो प्लीज इसे घर पर एक बार जरूर ट्राई करें और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।